हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 11th की इकोनॉमिक्स के चैप्टर 1 का पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक आपको प्रोवाइड हो जाएगा, आप वहां से उसे देख लीजिएगा। सबसे पहले अब हम एक बार इकोनॉमिक्स का पूरा सिलेबस देख लेते हैं। ये इकोनॉमिक्स है, हम राइज एंड शाइन चैनल पे आपको पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स का पूरा सिलेबस प्रोवाइड हो जाएगा। वीडियोज अपलोड होने स्टार्ट हो गए हैं या आज सेकेंड वीडियो अपलोड हुआ है। ये पूरा सिलेबस है, आप एक बार इससे गो थ्रू हो जाना। चार यूनिट्स हैं जो एग्जाम में आएंगी और ये 40 मार्क्स आपका कंक्लूड करता है आपके एग्जाम्स में। इस वीडियो में हम माइक्रो इकोनॉमिक्स इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन और कंपोनेंट्स देखेंगे उसके। जो पहली वाली वीडियो है उसमें हमने इकोनॉमिक्स और उसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखा था, और इस लेक्चर की पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां से उसे डाउनलोड कर लेना। देखते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, हमने लास्ट वीडियो में भी ये डिस्कस किया था कि तब हम इंडिविजुअल लेवल पे इकोनॉमी को देख रहे हैं, वो होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है वो पर्सन टू पर्सन डिफर करती है। कैसे, एक इंडिविजुअल को देखा जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स में। मान लीजिए कि ये पर्सन ए है और ये पर्सन बी है। दोनों ही पर्सन की एक्सपेंसेस भी अलग होंगे और इन दोनों की इनकम भी अलग होगी। किसी भी दो पर्सन की, ए और बी, किसी भी दो इंसान की एक्सपेंस और इनकम हमेशा सेम तो नहीं होते ना। इसके एक्सपेंसेस और इसकी इनकम पर इसकी इकोनॉमी डिफर करेगी और इसके एक्सपेंसेस और इसकी इनकम पर इसकी इकोनॉमी डिफर करेगी। ये क्योंकि इकोनॉमिक्स में होता ही क्या है कि ये अपने रिसोर्सेज यानी कि अपनी इनकम को जो कंज्यूम करने में, कुछ भी गुड्स है उनको खरीदने में उनको लगाएगा, एक्सपेंड करेगा, ये इस बात पे डिपेंड करेगी इसकी इकोनॉमी। अब इसकी प्रेफरेंसेस, इसके लिए इसे जो कंज्यूमर ए को जो गुड्स मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करा रहा है, जरूरी नहीं है वो कंज्यूमर बी को भी वही सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कराए, उसकी स्पेसिफिकेशंस अलग हो सकती हैं। तो यही होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, जो पर्सन टू पर्सन डिफर करती है। ठीक है, इट डील्स विद द स्मॉल इशू, छोटे छोटे इशू से डील करती है, रिलेटेड टू स्मॉल इकोनॉमिक यूनिट्स, छोटे स्मॉल इकोनॉमिक यूनिट से, जैसे इंडिविजुअल कंज्यूमर जो हमने अभी एक एग्जाम्पल के थ्रू देखा, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, ऐसे इंडिविजुअल प्रोड्यूसर भी हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि एक प्रोड्यूसर को जो लग रहा है कि मैं ये गुड्स और सर्विसेज या ये गुड्स मैं प्रोड्यूस करूंगा और कौन सी टेक्निक्स मैं यूज करूंगा, जैसे हो सकता है कुछ फॉर्म्स में लेबर इंटेंसिव टेक्निक ज्यादा इफेक्टिव हो और कुछ में मशीनरी वाली टेक्निक ज्यादा इफेक्टिव हो, यानी कि हो सकता है कि कुछ फॉर्म्स में लेबर इंटेंसिव यानी कि वहां पे लेबर मैन फोर्स के यूज से ज्यादा प्रॉफिट कमाया जा सके, और वही हो सकता है दूसरी फॉर्म में लेबर की कॉस्ट ज्यादा हो, बल्कि अगर मशीनरी से काम कराया जाए तो ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव हो, यानी कि कम पैसे में ज्यादा काम हो सके और वो ज्यादा प्रॉफिट कमा सके। तो इस तरह से इंडिविजुअल प्रोड्यूसर इसका भी डिफर करता है, हर प्रोड्यूसर टू प्रोड्यूसर। ऐसे इंडिविजुअल फॉर्म्स वो अलग अलग सामान प्रोड्यूस करेंगे, इंडिविजुअल इंडस्ट्री अलग अलग प्रोडक्ट्स में डील करेंगे, और इंडिविजुअल मार्केट हर मार्केट में भी अलग होती है। अब ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है इसके तीन कॉम्पोनेंट है, इन तीनों को मिला के बनती है माइक्रो इकोनॉमिक्स। पहला क्या है, थियरी ऑफ डिमांड, दूसरा थियरी ऑफ सप्लाई, और तीसरा थियरी ऑफ प्राइस। देखो हम देखते हैं सबसे पहले थियरी ऑफ डिमांड होता क्या है। देखो मान लीजिए थ्योरी, सबसे पहले तो डिमांड करता कौन है किसी भी सामान की, कोई मांग करनी है, डिमांड करनी है तो करता कौन है, कंज्यूमर करता है। कंज्यूमर ही जाएगा सामान खरीदने के लिए दुकान पर, ठीक है। अब वो सामान किस हिसाब से खरीदेगा, यही होती है थ्योरी ऑफ डिमांड। जो थ्योरी ऑफ डिमांड है वो कंज्यूमर बिहेवियर की भी थ्योरी कहा जाता है उसे, और कंज्यूमर के इश्यूज को रिलेटेड होती है, उन्हीं को स्टडी करती है। जैसे ये क्या देखती है कि प्राइस का कम या ज्यादा होने का क्या इफेक्ट पड़ेगा कंज्यूमर की डिमांड पर। अब इसमें हम कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, कोई सामान है उसकी कीमतें अगर कम हो जाएंगी तो कंज्यूमर क्या सोचेगा। मान लीजिए कोई चीज पहले 10 रुपए की मिल रही थी तो, और अब हो गई उसकी कीमत 5 रुपए, अब कंज्यूमर की डिमांड क्या बढ़ेगी या कम होगी। जब कोई चीज के प्राइस अगर ज्यादा थे, 10 रुपए थे यानी कि प्राइस ज्यादा थे, तो कंज्यूमर की डिमांड क्या होगी, कम होगी। लेकिन अगर 10 से उसका प्राइस कम होकर 5 पे आ गया है तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। हम सब भी ऐसे ही करते हैं ना, अगर कोई चीज महंगी है तो वो कम खरीदी जाती है और कोई चीज सस्ती है तो वो ज्यादा खरीदी जाती है। यही होती है थियरी ऑफ डिमांड की, किस तरह से प्राइस के कम या ज्यादा होने से कंज्यूमर की डिमांड पे फर्क पड़ता है। नेक्स्ट इज थियरी ऑफ सप्लाई। थियरी ऑफ सप्लाई क्या होती है, सप्लाई कौन प्रोवाइड कराता है इकोनॉमी में, प्रोड्यूसर, क्योंकि प्रोड्यूसर ही तो है जो गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहा है। अब इसका काम क्या होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, इसी चीज पे काम करता है ना ये।
तो अब ये क्या करेगा, इसे प्रॉफिट मैक्सिमम करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि इसके पास ज्यादा से ज्यादा पैसे आए। तो ये क्या देखेगा, ये भी प्राइस के कॉन्टेक्स्ट में होता है, ये देखेगा कि प्राइस ज्यादा है अगर किसी कमोडिटी के, तो प्रोड्यूसर हमेशा ये सोचेगा कि मैं ज्यादा दामों पे हमेशा ज्यादा से ज्यादा सप्लाई कर सकूं जिससे मेरा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो सके। और वही जो अगर प्राइसेस कम है किसी कमोडिटी के, तो कंज्यूमर सोचेगा मैं कम से कम सप्लाई दूं जिससे मेरे प्रॉफिट पर ज्यादा इफेक्ट ना पड़े, क्योंकि उसका अल्टीमेट गोल तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ही होता है। तो थ्योरी ऑफ सप्लाई कंज्यूमर बिहेवियर से नहीं बल्कि प्रोड्यूसर बिहेवियर से डील करती है, राइट? इसमें हम प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि वो प्राइस के कम या ज्यादा होने से अपनी सप्लाई पे क्या इफेक्ट डालता है। वो देखता है अगर प्राइस ज्यादा है तो सप्लाई भी ज्यादा करेगा, प्राइस कम है तो सप्लाई भी कम होगी। इसमें आप एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख सकते हैं अपने एग्जाम में कि थियरी ऑफ सप्लाई में प्राइस और सप्लाई के बीच में पॉजिटिव रिलेशन होता है। पॉजिटिव कैसे, कि अगर प्राइस बढ़ा तो सप्लाई भी बढ़ी, प्राइस कम हुआ तो सप्लाई भी कम हुई। और ऐसे ही जो हमने देखी थी थियरी ऑफ डिमांड, थियरी ऑफ डिमांड में क्या होता है, प्राइस और सप्लाई के बीच का रिलेशनशिप किस तरह का होता है, सॉरी प्राइस और डिमांड के बीच का रिलेशनशिप किस तरह का होता है, क्योंकि कंज्यूमर तो डिमांड ही करता है ना, और कंज्यूमर का अल्टीमेट गोल क्या होता है, सेटिस्फेक्शन। उसे तो सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन चाहिए ना, कि तो वो क्या करेगा कि कम से कम पैसे खर्चूं और ज्यादा से ज्यादा मुझे सेटिस्फेक्शन भी मिल सके। तो तब प्राइस किसी भी कमोडिटी के ज्यादा होते हैं तो वो जो कंज्यूमर है वो डिमांड कम करता है। वही अगर किसी भी कमोडिटी के प्राइस कम हो जाते हैं तो कंज्यूमर अपनी डिमांड बढ़ा लेता है। अब यहाँ पे क्या चीज हो रही है, जो आप अपने एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लिख सकते हैं कि थियरी ऑफ डिमांड में प्राइस और डिमांड में के बीच का जो रिलेशनशिप होता है वो इनवर्स रिलेशन होता है। इनवर्स यानी कि निगेटिव रिलेशन होता है। कैसे होता है निगेटिव रिलेशन, क्योंकि देखिए अगर प्राइस कम हुआ तो डिमांड ज्यादा हो गई, और अगर प्राइस ज्यादा हुआ तो डिमांड कम हो गई, एक चीज ऊपर जा रही है और एक चीज नीचे जा रही है, तो ये हो गया नेगेटिव रिलेशन। अब जो तीसरी थियरी है वो है थियरी ऑफ प्राइस। थियरी ऑफ प्राइस क्या होता है, देखिए थियरी ऑफ प्राइस थियरी ऑफ डिमांड और थियरी ऑफ सप्लाई को मिला के बनती है, क्योंकि थियरी ऑफ प्राइस में हम क्या करते हैं, जो कमोडिटी हैं उनके प्राइसेस कितने रखे जाने चाहिए यही चीज को डिटरमाइन करती है थियरी ऑफ प्राइस। और जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसे कई दफा थियरी ऑफ प्राइस के नाम से भी जाना जाता है, उसे कई दफा कहते हैं कि थियरी ऑफ प्राइस ही माइक्रो इकोनॉमिक्स है। देखते हैं कि थियरी ऑफ डिमांड, जैसा मैंने आपको बताया कि थियरी ऑफ डिमांड या फिर थियरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, एक्सप्लेनेशन है इसकी, इट एनालाइसिस, ये एनालाइज करता है कंज्यूमर अलोकेशन हिज रिसोर्स हिज इनकम टू डिफरेंट यूजेस इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज सेटिस्फेक्शन। जो मैंने आपको अभी बताया कि कंज्यूमर किस तरह से अपनी इनकम को, जो उसके पास पैसा है, अलोकेट करता है सामान को खरीदने में कि उसकी जो सेटिस्फेक्शन है वो मैक्सिमाइज हो सके, यही कंज्यूमर का अल्टीमेट गोल होता है। ये हमने फर्स्ट पार्ट में भी देखा था। अब देखिए जो मैंने आपको बोला था कि जो थियरी ऑफ डिमांड है वो प्राइस और डिमांड के बीच में रिलेशनशिप बताती है। हमने देखा कि अगर प्राइस कम हुए हैं तो डिमांड इंक्रीज हुई है, प्राइस ज्यादा हुए हैं तो डिमांड डिक्रीज हुई है। कैसे लिखेंगे आप इसे अपने एग्जाम में कि थियरी ऑफ डिमांड डिटरमाइंस दैट इफ द प्राइस इंक्रीजेस ऑफ एनी कमोडिटी देन डिमांड ऑफ दैट कमोडिटी गोज डाउन एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब इसका उल्टा, कि अगर प्राइस कम है डिमांड ज्यादा हुई, वाइस वर्सा यानी कि अगर प्राइस ज्यादा हो गए तो डिमांड हो जाएगी कम। देखिए जो हमने देखा था कि इनवर्स रिलेशनशिप होता है प्राइस और डिमांड में किसी कमोडिटी की, और ये हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, पूरी थियरी ऑफ डिमांड कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट? नेक्स्ट टॉपिक क्या है, थियरी ऑफ सप्लाई जो हमने अभी देखा। अब थियरी ऑफ सप्लाई को क्या भी कहते हैं, थियरी ऑफ प्रोड्यूसर बिहेवियर। क्यों, क्योंकि इसमें प्रोड्यूसर के बिहेवियर को हम स्टडी करते हैं। अब ये क्या एनालाइज करता है, ये एनालाइज करता है कि हाउ प्रोड्यूसर डिसाइड्स व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस, कि प्रोड्यूसर ये डिसाइड करता है कि क्या तो प्रोड्यूस करना है और कितना प्रोड्यूस करना है, क्या करने के लिए जिससे कि उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो सके। प्रोड्यूसर का अल्टीमेट गोल सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ही, और कुछ तो है नहीं, राइट? नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द सप्लाई एंड प्राइस ऑफ कमोडिटी। हमने अभी देखा था, क्योंकि हम प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं,
वो तो यही सोचेगा ना कि अगर दाम बढ़ गए तो मैं सप्लाई भी ज्यादा कर देता हूँ, और अगर दाम कम हो गए हैं तो मुझे तो फायदा होना नहीं, मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो अब मैं मार्केट में सप्लाई भी कम कर देता हूँ, राइट? ये हमने देखा प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, दिस इज थियरी ऑफ प्राइस, इसे हम एक बार और देख लेते हैं। थियरी ऑफ प्राइस क्या स्टडी करता है कि हाउ प्राइस ऑफ गुड्स, गुड्स क्या होते हैं? अच्छा, गुड्स होते हैं सामान, जो भी सामान हम मार्केट से खरीद के लाते हैं उसे हम कहते हैं गुड्स, आर डिटरमाइंड इन द मार्केट। डिटरमाइंड मतलब किस तरह से तय किए जाते हैं मार्केट में, कि थ्रू इंटरेक्शन ऑफ सप्लाई एंड डिमांड फोर्सेस। अब किसी भी चीज की कीमत है, देखिए किसी भी चीज का अगर हमें प्राइस सेट करना है तो उसके लिए हम दो फैक्टर्स को ही तो देखेंगे। सबसे पहला क्या देखेंगे कि उसकी डिमांड कितनी है और इसकी सप्लाई कितनी है। इन्हीं दोनों चीजों के बेसिस पे तो किसी भी कमोडिटी के प्राइस को सेट किया जाता है। तो प्राइस कैसे सेट किया जाता है? इस हिसाब से प्राइस सेट किए जाते हैं जिस पे कंज्यूमर भी कंज्यूम करने के लिए रेडी हो और प्रोड्यूसर भी प्रोड्यूस करने के लिए रेडी हो। यानी कि एक सेट प्राइस जिस पे कंज्यूमर तो कंज्यूम करने के लिए रेडी होता है, खरीदने के लिए रेडी हो जाता है, और जो सेलर है वो सेल करने के लिए रेडी हो जाता है। तो थियरी ऑफ प्राइस में यही देखती है कि एक पॉइंट, मतलब एक ऐसी अमाउंट जिसपे सेलर सेल करने के लिए रेडी है, यानी कि उसमें उसे प्रॉफिट भी हो रहा है, और जो बायर है वो बाय करने के लिए रेडी है, यानी कि उसमें उसे सेटिस्फेक्शन भी मिल रही है। यही होती है क्या थियरी ऑफ प्राइस। देखिए ये माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑफन टर्म्ड एज थियरी ऑफ प्राइस। माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम थियरी ऑफ प्राइस भी कहते हैं। जैसा हमने देखा कि थियरी ऑफ डिमांड और थियरी ऑफ सप्लाई को मिला के थियरी ऑफ प्राइस बन जाती है, ठीक है? कि थियरी ऑफ प्राइस क्या, कैसे देखा जाए कि कोई भी कमोडिटी जो हम मार्केट में बेच रहे हैं या जो मार्केट में बिक रही है उसके दाम, उसकी कीमत कितनी रखी जाए, और ये कीमत कितनी रखी जाए किस हिसाब से सेट की जाती है कि उस कमोडिटी की डिमांड कितनी है और सप्लाई कितनी है। अब हम फटाफट से समअप कर लेते हैं। इस पूरी वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स के साथ हमने देखा है कि थियरी ऑफ डिमांड क्या होती है। इसके तीन कंपोनेंट देखे हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स के, पहला थियरी ऑफ डिमांड, दूसरा थियरी ऑफ सप्लाई, तीसरा प्राइस थियरी। थियरी ऑफ डिमांड किससे रिलेट करती है? कंज्यूमर से। थियरी ऑफ सप्लाई प्रोड्यूसर से। प्राइस थियरी, थियरी ऑफ डिमांड और थियरी ऑफ सप्लाई का कॉम्बिनेशन होती है, इन दोनों को मिला के ही बनती है थियरी ऑफ प्राइस। कंज्यूमर का अल्टीमेट गोल सेटिस्फेक्शन मैक्सिमाइजेशन, प्रोड्यूसर का अल्टीमेट गोल प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, राइट? इन्हीं हिसाब से देखते हैं। तो कंज्यूमर क्या करता है डिमांड की थियरी में, कम दाम पे ज्यादा सामान खरीदता है और ज्यादा दाम पे सामान खरीदना कम कर देता है। प्रोड्यूसर क्या करता है, ज्यादा दाम पे ज्यादा सामान बेचना शुरू कर देता है और कम दामों पे कम सामान बेचना शुरू कर देता है, राइट? ये था तीनों जो हमने अभी तक के पढ़े हैं। हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, और आपको किसी भी कॉन्सेप्ट में कोई भी दिक्कत हो तो पुट इट इन द कॉमेंट बॉक्स, मैं आपकी क्वेरी जरूर उसे डील करूंगी, आपकी क्वेरी को आंसर जरूर करूंगी मैं। आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज आप इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि और भी वीडियोस अपडेट होती रहेंगी, और नोटिफिकेशन बेल का आइकन दबाना मत भूलना, वरना आपको आगे के पार्ट्स नहीं मिल पाएंगे, आपको उसकी नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगी और आप उसे मिस कर देंगे।